एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चावल से कैसे इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपने कभी कोरियंस को देखा है? उनकी स्किन देखिए, उनकी स्किन इतनी स्पॉट फ्री होती है कि एक दाना आप उनकी स्किन पे नहीं देखोगे, और इससे आप उनकी स्किन से उनकी एज का नहीं पता लगा सकते। ऐसा क्यों है? देखिए, एटमॉस्फेयर का तो फर्क पड़ता है, किसी कंट्री का एटमॉस्फेयर कैसा है, ऐसा इससे वहाँ के लोगों की स्किन पे काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर 50% एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, तो 10-20% हम अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो जो कोरियंस है वो क्या करते हैं कि जो चावल होता है उसको भिगो के रखते हैं, और उस चावल को पीस के वो एज ए स्क्रब यूज करते हैं, और जिस पानी में उसे भिगो के रखा है उससे अपना फेस वॉश करते हैं एज अ टोनर। अगर आपको पता है कि टोनर क्या होता है, तो वो एज अ टोनर उस चावल के पानी का यूज करते हैं, जिससे कि उनकी स्किन इतनी क्लियर होती है, इतनी स्पॉट फ्री होती है, रिंकल फ्री होती है। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी जिससे कि आप एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं और एक क्लियर स्किन पा सकते हैं। लेकिन ये एक बारी में नहीं होगा, आपको इसे हफ्ते में 2 बार यूज करना ही होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए पिसा हुआ चावल, या तो आप मार्केट से चावल का आटा खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में चावल अवेलेबल है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप उसको ही मिक्सी में पीस लीजिए, और उसमें हल्का सा कच्चा दूध मिलाइए। कच्चा दूध यानी कि बिना उबला हुआ दूध, उसे आप मिलाएंगे, और अब हम इसे एज ए स्क्रब यूज करेंगे। आपको पिछले वीडियो में स्क्रब कैसे यूज करना अपने फेस पे बता दिया है, उसके स्टेप बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको दोबारा बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना फेस वॉश करेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद आप थोड़ा सा इसे लेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे। अब आपको कैसे करना है यूज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप यहां यूज करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रही हूं आपको स्क्रबिंग ऐसे ही करनी है। याद रखें कि ज्यादा जोर ना लगाएं, ज्यादा जोर लगाने से स्किन पे जो हमारी स्किन है उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, हमारी स्किन लूज हो जाती है। मेरी स्क्रबिंग तो हो चुकी है, अब मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी। अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, अब आप देखेंगे कि मेरा फेस काफी हद तक ग्लो कर रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वीक में 2 बार चावल को पीसना है, उसमें हल्का सा कच्चा दूध मिलाना है, और उससे आपको 1-2 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है। और आप देखना कि अगर हफ्ते में 2 बार आप इसको यूज करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद आपकी स्किन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल स्पॉट फ्री हो जाएगी और काफी ग्लोइंग सी हो जाएगी। तो आप इस जो रूटीन है इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।